हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिएगा, आज हम दो कलर में बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा डोरमेट बनाएंगे, बिल्कुल अलग तरीके का। इस तरह से पुरानी चुन्नियाँ साड़ी से, मैंने दो कलर की पुरानी चुन्नी ले ली है। आप के पास अगर टी सेट है या जो भी कोई पुराने कपड़े हैं, आप उनसे मैट बना सकते हैं। तो उसे बनाने के लिए देखिएगा, हमने यहाँ पर एक नोट बनाया। नोट बनाने के बाद हम यहाँ पर चेन बनाएंगे, दो, तीन, चार, पांच, पांच चेन बनाई और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। पांच चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। और अब देखिएगा, यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। इस होल में जितने भी आएंगी उससे उतने ही हम यहाँ पर बनाते जाएंगे इस तरह से। इसे थोड़ा सा ऐसे टाइट करते जाएं और इसमें बनाते जाएं। इसमें हमें क्रोशिया के ऊपर पट्टी नहीं लेनी है, इसी तरह से बनाते हुए जाना है ऐसे, ठीक है। देखिएगा, और इसे इस तरह से टाइट करते हुए जाएगा ताकि अच्छे से हमारा होल जो है, इस तरह से देखिएगा, इस तरह से, ठीक है। ये देखिएगा, इस तरह से एक बार फिर से बना लेंगे। और यहाँ पर इसे जो ये सबसे पहले डाला था, यहाँ पर इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे, ठीक है। देखिएगा, इस तरह से ये हमारा बन के आया है। ये देखिएगा, इस तरह से हमने इसे बनाया है। अब हम यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, इस तरह से ये मैंने येलो राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। आप देखिएगा, अगर आप इसे इस तरह से जोड़कर बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं। इन पट्टियों को अलग अलग से गांठ लगाकर भी बना सकते हैं। तो देखिएगा, अब हम यहाँ पर ब्लू कलर ऐड कर लेंगे और इस येलो पट्टी को टाइट कर लेंगे इस तरह से, देखिएगा ऐसे, ठीक है। देखिएगा, अब हमने इसमें एक बार डाला था और इस पट्टी इसमें दो बार डाला था। अब की बार हमें क्या करना है, एक में हम दो बार डालेंगे और दो में एक बार डालेंगे। तो देखिएगा, इस तरह से यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, सॉरी, इस तरह से पट्टी को ऊपर ले लेंगे ऐसे क्रोशिया के ऊपर और ऐसे, ठीक है, एक बार लिया और इसी में दोबारा से ले लेंगे ऐसे, दो बार ले लिया। और जो ये वाली है इसमें एक बार लेंगे, जो ये चेन है इसके ऊपर से लेंगे, अंदर से नहीं लेना है। ये जो चेन बनाई थी ना हमने ऊपर, ये वाली यहाँ पे इसमें से ले लेंगे, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। एक बार लिया, एक बार में ही निकालेंगे तो हम इसे सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। ये देखिए, सॉरी, ये जो तीनों हैं इन तीनों को एक बार निकाल देंगे तो इसे हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। और देखिएगा, इससे अगले वाले में भी हम एक बार ही डबल क्रोशिया लेंगे, इस वाली चेन में भी, इसमें भी, ठीक है,
इसमें भी एक बार डबल क्रोशिया, एक बार सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से ले लेंगे, ठीक है। अब इससे अगली वाली में दो बार लेंगे, इस वाली में दो बार लेंगे, तीनों को एक बार निकाल देंगे, इसे हम हाफ डबल क्रोशिया बोलते हैं। थोड़ा सा लूज से हाथों से बनाएं इसे, हल्के हाथों से ऐसे इस चेन में लेंगे, इस वाली में ऐसे, और तीनों को एक बार निकाल देंगे। फिर से देखिएगा, इसमें दो बार लिया, दो में एक बार लिया और एक में दो बार लिया, इस तरह से। ये पूरा राउंड हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। एक बार इसके ऊपर से लपेटेंगे, अब इसमें हम एक बार लेंगे इस तरह से, इस तरह से लपेटेंगे, और इससे अगली वाली में ये इसमें लिया, अब इसमें एक बार लेंगे ऐसे, ठीक है। अब इससे अगली वाली में दो बार लेंगे, एक में एक बार लेंगे, दो में एक एक बार लेंगे, और एक में दो बार लेंगे, एक ही चेन में दो बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये इस तरह से देखिएगा, अब इससे अगली वाली में एक बार लेंगे इस तरह से, ठीक है। देखिएगा, फिर से इससे अगली वाली में एक बार लेंगे हाफ डबल क्रोशिया, फिर उससे अगली वाली में दो बार लेंगे। तो इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, आगे दिखाऊंगी। ये देखिएगा, इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने के बाद देखिएगा, यहाँ पर हम इस वाली चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से जब हम निकालते हैं तो इसे हम स्लिप स्टिच बोलते हैं। ये इस तरह से बन के आएगा, देखिएगा। फिर से इससे इसमें हम येलो कलर ऐड करेंगे। तो येलो कलर ऐड करने के लिए इस तरह से हम इसे ऐसे बना देंगे, ठीक है। देखिएगा, कुछ इस तरह से हमारा बन के आएगा। और अब हम देखिएगा, यहाँ पर इस चेन में यहाँ इसके ऊपर से लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये दिखता जाएगा, ये आगे वाला पीछे वाले के यहाँ से लेते जाएंगे एक बार। दो बार एक ही चेन में दो बार ले लेंगे, और इससे अगली वाली चेन में एक बार लेंगे, फिर उससे अगली वाली में दो बार लेंगे। इतना सुंदर डोरमैट बन के आएगा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसानी से बनने वाला, बहुत ही जल्दी बन के आता है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, बताने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको प्यारा सा डोरमैट कैसा लगा। देखिएगा, इस तरह से एक में दो बार लेंगे और एक में एक बार लेंगे। अब फिर हमें जो पहले वाले, इससे पहले वाले में येलो वाले में रिपीट किया था, वही रिपीट करते हुए जाना है। और यहाँ पर देखिएगा, क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे पट्टी को ऐसे, तीनों को एक बार में निकाल देंगे, फिर इससे अगले वाले में दो बार लेंगे इस तरह से, चेन के ऊपर से लेना है ऐसे, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से जो लेंगे हम, तो ये देखिएगा, ये येलो का जो इस जैसे ये डिजाइन हमारा, ये वाला पीछे से लेंगे तो इस तरह से बनता हुआ आएगा, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा और बहुत ही सुंदर सा बनेगा। अगर इसी तरीके से आप बनाते जाएंगे तो आपके इसमें मैट में झोल भी नहीं डलेगा। तो देखिएगा, इसमें हमने दो बार बनाया, इससे अगली वाली में एक बार बनाएंगे ऐसे, ठीक है। उससे अगली वाली में दो बार बनाएंगे,
बहुत ही आसानी से बनने वाला और बहुत ही जल्दी बनने वाला हमारा ये डोरमैट है। इतना सुंदर लगेगा बनने के बाद, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिएगा, ऐसे निकालेंगे, फिर से अगली वाली में दो बार निकालेंगे, ऐसे, फिर इससे अगली वाली में एक बार निकालेंगे, फिर उससे अगली वाली में दो बार निकालेंगे, इससे अगली वाली में एक बार बनाएंगे, इससे अगली वाली में दो बार बनाएंगे, और इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आगे दिखाती हूँ कि कैसे बनाना है। ये देखिएगा, इस तरह से हमने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखिएगा, यहाँ पर ब्लू बल से लगाएंगे इस तरह से, और इस येलो को टाइट कर लेंगे, ऐसे टाइट किया इस तरह से, देखिएगा ऐसे हम टाइट करेंगे। और इस चेन में एक बार किया इस तरह से, ऊपर से लपेटा, और ऐसे एक बार बनाया, फिर से इसी में दोबारा से बनाएंगे ऐसे, ठीक है, देखिएगा। और इससे अगली वाली में एक बार बनाएंगे इस तरह से, फिर इससे अगली वाली में एक बार बनाएंगे, सेम वही पैटर्न रिपीट करते हुए जाना है जो हमने इससे, जो इससे अगले वाले में बनाया था, इसी तरह से। एक बार में हम दो बार में बनाएंगे, दो में एक एक बार बनाएंगे, एक में दो बार बनाएंगे, एक बार में हम एक में एक बार बनाएंगे और एक में दो बार बनाएंगे। इसी तरह से हम इस पूरे पैटर्न को, पूरे डोरमेट को जितना भी बड़ा बनाना चाहे, देखिएगा बिल्कुल भी इसमें कहीं भी कोई झोल वगैरह नहीं आया है। इसी तरह से बनाते हुए आप इसे जितना मर्जी बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं, और अपने डोरमेट को बहुत ही अच्छे तरीके से, देखिएगा ऐसे। कलर कॉम्बिनेशन आपके पास जो भी हैं आप उसी हिसाब से ले सकते हैं, इस तरह से, देखिएगा दो बार बनाया, इससे अगली वाली में इसमें एक बार बनाएंगे, ये देखिएगा, फिर इससे अगली वाली में यहाँ पर एक बार बनाएंगे, जो ये है इसमें एक बार बना लेंगे ऐसे, ठीक है, फिर इससे अगली वाली में इस वाली में दो बार बनाएंगे, एक में ही, एक ही चेन में दो बार डालेंगे और इस तरह से बना लेंगे, ठीक है ऐसे, फिर इससे अगली वाली में एक बार बनाएंगे, फिर इससे नेक्स्ट वाली में एक बार बनाएंगे, इससे अगली वाली में दो बार बनाएंगे ऐसे, ऐसे, ठीक है, देखिएगा इस तरह से बनता जाएगा ऐसे, फिर इससे अगली वाली में एक बार बनाएंगे, फिर इससे अगली वाली में एक बार बनाएंगे, ये देखिए फ्रेंड्स, चुन्नी के जो ये धागे होते हैं ये निकलाते हैं, तो इनको हम बनाने के बाद कैंची से कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, दो बार बनाया, फिर इससे अगले वाले में दो, ये एक 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 बार दो में बना लिया, अब इससे अगली वाली में एक ही चेन में दो बार बनाएंगे इस तरह से,
एक बार एक ही चेन में दो बार बनाना है और दो चेन में एक एक बार बनाना है, और एक राउंड में एक चेन में एक बार बनाना है और एक चेन में दो दो बार बनाना है। इसी तरह से आप इस पूरे डोरमैट को बना लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई झूल बन के आएगा हमारा, अगर आप इस तरीके से डोरमैट बनाएंगे तो। फ्रेंड्स देखिएगा, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इस तरह से, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं कि किस तरह से। देखिएगा इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, देखिएगा इस तरह से बन के आएगा। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कितना प्यारा सा हमारा ये मैट बन के आएगा।